मैं बटरफ्लाई, कैसे आप सब? गुड, वेरी गुड। लास्ट पार्ट ऑफ बीटीएस लॉस्ट थिंग्स एंड नेम्स। ऑलराइट, जी होप से स्टार्ट। ओह, मैं नर्वस हूँ। लेट्स गो। 1 2 3 कर्टेन। गलत। कोनन, कोनन है वो। तुम कोनन को नहीं जानते? मैं कंफ्यूज हो गया था, बहुत कंफ्यूज। कर्टेन, पर्दे तो पीछे हैं। कर्टेन, मैं सच में बहुत कंफ्यूज हो गया था। कोनन, सॉरी। जिन जो ज़्यादा पीने के बाद रूम पासवर्ड भूल गए। नहीं, ये नहीं है। मैंने शायद फ़ोटो ली थी, मुझे लगता है मैंने पासवर्ड की फ़ोटो ज़रूर ली होगी। बहुत ढूंढने के बाद भी पासवर्ड नहीं मिला। प्लीज़ मुझे पासवर्ड बताओ, प्लीज़ हेल्प मी। स्टाफ ने खोल दिया। 1 2 3 अक्षरी। गुड। 1 2 3 जेम्स कॉर्डन। गुड। 1 2 3 ये कौन है? वाव, आर यू सीरियस? आयरन मैन, इतने फेमस, जेके और जिन के सबसे फेवरेट सुपर हीरो। भी तुम सच में नहीं जानते? मार्वल फैन अब गुस्सा हो जाएंगे। एक आर्टिस्ट आरडीजे मतलब आयरन मैन को क्यों नहीं जानता? मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा, वी भूल गए या जानबूझकर एक्टिंग कर रहे हैं? आई मीन आयरन मैन, उनका तो सबको पता है, खासकर आदमियों को, मैन को। वो नंबर वन सुपर हीरो में से एक है। त्योंगा, मुझे नहीं पता आजकल तुम कहाँ रहते हो। मैं तो अभी भी कोरिया में हूँ। आई थिंक तुम्हें चले जाना चाहिए। ओके। 1 2 3 ह्यून बिन। गुड। 1 2 3 तुम कैसे नहीं जानते? जो यो जंग तुम जो यो जंग को कैसे नहीं जानते? राजन 17 में बीटीएस चिली गए थे कॉन्सर्ट के लिए, पर नामचुन से पासपोर्ट गुम हो गया। शुभ कह रहे, मुझे जानकर कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने सुना कि हमारे लीडर से उनका पासपोर्ट खो गया, क्या हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए? हम बिना पासपोर्ट के कंट्री में एंटर नहीं कर सकते। प्लेन के सारे स्टाफ और मेंबर लगे थे ढूंढने में। क्या तुमने ब्लैंकेट के नीचे देखा? क्या सीट के नीचे चेक किया? क्या ऊपर चेक किया? खैर, फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद पासपोर्ट मिल गया। आरम कह रहे, आपने मेरी ज़िंदगी सेव कर दी। रूप कह रहे, नामजुना, आज के बाद से पासपोर्ट को अपने गले में टांग के रखो। जे हो पैसा इसलिए कह रहे क्योंकि नामजुना से इससे पहले भी उनका पासपोर्ट खोया था, बॉन वयाज सीजन 1 में, जिसकी वजह से नामजुन को बीच रास्ते में ही अपने मेंबर से अलग होना पड़ा। ये यहाँ मेंबर को फिनलैंड में रहकर शूट पूरा करना पड़ेगा, और नामजुना से पासवर्ड खो गया इसलिए उन्हें पेपर वर्क के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। जिन झोप तो सबसे ज़्यादा सेट थे, पर कोई चारा नहीं, बिना पासपोर्ट के नहीं जा सकते। 1 2 3 $4। किम तुहन, किम यंचल, किम यंग चल है वो। हमने अवार्ड में उन्हें हेलो भी तो कहा था। ओके, एंड हो गया, खत्म। $4, किसी का नाम $4 कैसे हो सकता है? जंकुकवा, हो गया, सूर्य तथा के बहुत दर्शन हो गए। ओ गॉड, शॉपिंग बैग मॉल पर भुलाए? यकीन नहीं आ रहा है, हम सब कुछ खो रहे हैं। आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमें वापस देखने के लिए जाना चाहिए? अब जेहोब मुझसे कुछ नहीं कह पाएगा। नामजुन को सबसे अच्छा लग रहा है क्योंकि जेहोब सारी चीज़ें खो रहे हैं। मार्केट वापस चलते हैं। मुझे पता नहीं था कि किसी को कुछ भूलते हुए देखना इतना मज़ेदार होता है। मैं हमेशा चीज़ें खोने वाला इंसान हूँ।
मैं इस फीलिंग को कभी नहीं जानता था, लेकिन ये बहुत मज़ेदार है। एक्सक्यूज मी, नो बैग नो बैग। ओह थैंक यू सो मच, मुझे मिल गया। तुम्हें मिल गया? मुझे मिल गया। ओके अपने स्लोगन बोलो, जंगकुक से शुरुआत करते हैं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मुझ में पेशेंस की कमी है। मैं फिजिकली वीक हूँ और आसानी से कॉन्सेंट्रेशन खो देता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मैं अक्सर ब्लंट कमेंट करता हूँ। मैं मैच्योर हूँ। मुझ में जिम्मेदारी की कमी है और मैं आलसी हूँ। जब मैं घर पर होता हूँ तो चुप रहता हूँ, जिससे मेरे पेरेंट्स चिंता में रहते हैं। जब मैं घर पर रहता हूँ तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है, जिस कारण से मेरे पेरेंट्स चिंता में रहते हैं। जॉब नहीं है? ऐसा तो नहीं था, जॉब वाली लाइन नहीं थी। तुम चुप रहते हो? हाँ मैं चुप रहता हूँ। जब मैं घर पर रहता हूँ तो चुप रहता हूँ, जिससे मेरे पेरेंट्स को निराशा होती है। निराशा नहीं, चिंता। हाँ चिंता होती है। इतना बड़ा स्लोगन कैसे याद रहेगा किसी को? मामा अवार्ड 2019 एंडिंग टाइम, जब BTS फैंस को बाय बोलते ही घर जा रहे थे, टेबल पर अपना सारा सामान और मेन चीज़ अवार्ड भूल के। वो तो शुगा को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आई, मतलब अवार्ड की याद आई। शुगा को याद आया अब वहाँ सामान भूल गए हम, वापस चलो। ये भी एपिक ही है, अवार्ड शो में अवार्ड छोड़ के जा रहे थे, वो भी मामा का। कंपनी भी कहती, क्यों भाई खाली हाथ, अवार्ड कहाँ छोड़ के आ गए। ओके देन हम भी चलते हैं, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय।